गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। अब तिब्बत सीमा तक सेना की पहुंच और आसाम केंद्रीय मंत्री ने किया मलिंग चांगो सड़क का लोकार्पण। अब तिब्बत सीमा तक सेना की पहुंच और आसान हो जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले कल किन्नौर जिले के मलिंग से चांगो तक बनी करीब 26 किलोमीटर सड़क का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। वहीं इस मार्ग के बनने से मलिंग में दशकों से चली आ रही भूस्खलन की समस्या से जहां निजात मिलेगी, वहीं पूह काजा लाहौल स्पीति के हजारों ग्रामीणों सहित सेना और देश विदेश के पर्यटकों को सुगम सफर का अनुभव होगा। दरअसल साल 2004 में यंगथंग चांगो सड़क भूस्खलन के कारण ध्वस्त हो गई थी। प्रदेश में कल से करवट बदलेगा मौसम विभाग का पूर्वानुमान, विदाई से पहले भिगो सकता है मानसून। हिमाचल प्रदेश में 14 सितंबर के बाद मौसम फिर से करवट बदल सकता है। इस दौरान प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि भारी बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन बारिश की बौछारों के साथ तूफान के आसार हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों में मौसम मिलाजुला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पोल ने बताया कि 14 से 17 सितंबर तक पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय है। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। बता दें कि प्रदेश के 11 शहरों का पारा 30 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। वहीं ऊना का तापमान पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चंबा को छोड़कर अन्य सभी शहरों का तापमान नॉर्मल से 1 से 6 डिग्री तक ज़्यादा चल रहा है। प्राचार्य सीएमओ कर सकेंगे 50 लाख तक दवाओं और उपकरणों की खरीद, सरकार ने दी वित्तीय शक्तियाँ। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी 50 लाख रुपए तक की दवाइयों और उपकरणों की खरीद कर सकेंगे। इससे ज़्यादा दवाइयों, उपकरणों और मशीनों की खरीद फरोख्त के टेंडर स्वास्थ्य सेवाएं निगम करेगा। पहले स्वास्थ्य निगम की ओर से ही दवाओं और उपकरणों की खरीद की जानी थी। अस्पतालों में आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्हें वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। YouTube चैनल की प्रमोशन के चक्कर में भवारना के युवक ने गवाए 11 लाख रुपए। घर बैठे ऑनलाइन कमाई करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर YouTube चैनल के प्रमोशन के चक्कर में कांगड़ा जिला के भवारना के एक युवक ने 11 लाख रुपए शातिरों के पास लुटा दिए। युवक को अपने जाल में फंसाने के लिए शातिरों ने पहले युवक को 5,000 रुपये लगाने पर 6,000 रुपये बोनस के तौर पर दिए। इसके बाद युवक से 11 लाख रुपए ठगने के बाद शातिरों ने 10 लाख रुपए की और डिमांड कर दी। ठगी का एहसास होने के बाद युवक ने अज्ञात लोगों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तरी रेंज धर्मशाला में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार पालमपुर उपमंडल के भवारना निवासी सुमित कुमार ने शिकायत में कहा कि टेलीग्राम पर ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे नौकरी करने का ऑफर आया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इस दौरान युवक को एक यूट्यूब चैनल की प्रमोशन करने का टास्क दिया गया। युवक ने पहले 5,000 रुपये लगाए, जिसके चलते उसे पहले टास्क को पूरा करते हुए शातिरों की ओर से 6,000 रुपये दिए गए। इसके बाद वह उनके झांसे में फंस गया और युवक ने करीब 5 से 6 अलग अलग किस्तों में शातिरों के खाते में 11 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर दी। प्रेम के जाल में फंसाकर मौत के घाट उतारी प्रवासी महिला, दोस्ती कर घर से भगाया, सुनसान एरिया में फेंकी लाश। ऊना जिला में अंब निवासी प्रवासी महिला पर प्रेम प्रसंग का भूत मौत का काल बन गया। मौज मस्ती के चक्कर में अंधी महिला ने अपने पति व दो बच्चों को छोड़ अपनी जान पहचान के बिहार के ही दो प्रवासी युवकों के साथ दोस्ती कर उनके साथ जीने मरने के सपने संजो लिए, लेकिन यह सपने उसका काल बन गए। प्रवासी महिला अपने परिवार के साथ अंब में एक ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करती थी। बिहार के दो युवकों से दोस्ती के बाद तीनों 4 सितंबर को अंब से पंजाब की ओर निकल गई। वहीं एक दो दिन तक वापस घर न पहुंचने के बाद उसके पति ने गुमशुदगी की शिकायत थाना अंब में दर्ज करवा दी। अंब पुलिस ने उसके बाद पंजाब पुलिस के साथ संपर्क कर महिला को ढूंढने के लिए जाल बिछा रखा था, लेकिन प्रवासी लड़कों जमशेद अंसारी 19 वर्षीय वो मोहम्मद अली 25 वर्षीय निवासी बिहार ने उन्हें करीब एक सप्ताह तक इधर उधर रखने के बाद उसका मर्डर कर लाश को एकांत जगह फेंक दिया। उक्त घटना के बाद दोनों प्रवासी भागने के फिराक में थे, लेकिन पंजाब पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।
बीबीएन में 14 उद्योगों की कटेगी बिजली प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अवहेलना करने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई। बीबीएन में प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अवहेलना करने वाले 14 उद्योगों के खिलाफ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिजली काटने के आदेश जारी किए हैं। उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। कईयों ने वायु प्रदूषण शमन उपकरण तक नहीं लगाए थे, जबकि कुछ एक ने उद्योग स्थापित करने व संचालन के लिए अनिवार्य अनुमतियां तक नहीं ली थी। बोर्ड ने साथ ही दो टूक निर्देश दिए हैं कि उक्त उद्योगपति डीजी सेट या ऊर्जा के किसी अन्य स्रोत पर भी अपने उद्योग में उत्पादन नहीं कर पाएंगे। बता दें कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने जुलाई माह में उद्योगों का औचक निरीक्षण कर इन खामियों को पकड़ा और नियमानुसार नोटिस जारी करने के बाद भी सुधार न होने पर बिजली काटने के आदेश जारी कर दिए। मर्ज होंगे स्कूल, रिटायर टीचर्स की नियुक्ति संभव। शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट से पहले आज फिर बुलाई बैठक। हिमाचल में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आने वाले दिनों में बड़े फैसले लेने जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक हफ्ते के भीतर विभाग की दूसरी समीक्षा बैठक बुलाई है। वहीं 14 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक से ठीक पहले यह समीक्षा बैठक आज दिन भर चलेगी। इसमें प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध करवाने और सिंगल टीचर स्कूलों की संख्या पर फोकस होगा। दूसरी ओर उच्च शिक्षा विभाग स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल लेक्चरर व टीजीटी के मामले में प्रमोशन लिस्ट जारी करने वाला है, लेकिन इनमें मानसून सत्र से पहले सिर्फ स्कूल प्रिंसिपल की लिस्ट ही आ सकती है। बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा पदों पर स्कूल प्रिंसिपल प्लेसमेंट के जरिए प्रमोट होने हैं। इसके बाद 600 से ज़्यादा पदों पर स्कूल लेक्चरर को प्रमोशन दी जाएगी, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान एडजस्टमेंट के लिए शिमला में भीड़ न हो इसलिए यह लिस्ट 25 सितंबर के बाद जारी हो सकती है। प्रदेश में सक्रब टाइफस से 10 लोगों की मौत, 973 मामले पॉजिटिव। मंडी, शिमला, बिलासपुर जिला में सबसे ज़्यादा संक्रमण। हिमाचल में सक्रब टाइफस से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली जनवरी से लेकर अब तक प्रदेश में सक्रब टाइफस के 5834 टेस्ट करवाए गए हैं। इनमें से 973 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 10 लोगों की सक्रब टाइफस के कारण मौत हो गई है। इनमें 4 मौतें सोलन व 4 शिमला जिला में हुई हैं। इसके अलावा चंबा और कांगड़ा जिला में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक कल, बीआरसीसी नियुक्ति के लिए आ सकती है नई पॉलिसी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में 14 सितंबर को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में खंड शिक्षा स्रोत समन्वयक बीआरसीसी की नियुक्ति के लिए नई पॉलिसी आ सकती है। इसके तहत 10 वर्ष का नियमित शिक्षण अनुभव रखने वाले शिक्षकों को इस पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। नियुक्ति की यह अवधि 3 वर्ष के लिए किए जाने की संभावना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना है। तो यह है प्रातः की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम, दुआ तवीजों द्वारा किया कराया, घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म, गृह क्लेश काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें